नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं विष्णु पुराण की एक कथा जिसका शीर्षक है राजा पृथु। दोस्तों, जीवन से जुड़ा हुआ जो भी ज्ञान है वो हमारे पुराणों में उपस्थित है। हर कथा में आपको जीवन के एक नए पक्ष के बारे में कोई ना कोई जानकारी या कोई सीख मिलती है। आज की कथा ये बताती है कि धरती हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कृषि ही हमारे जीवन का आधार है और यदि हमने धरती को नहीं बचाया तो मानव जाति का बचना तो संभव ही नहीं। जरा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। यह कहानी है राजा पृथु की। कहते हैं कि राजा पृथु से पहले जो राजा था उनके शासन काल में धरती पर अधर्म बहुत बढ़ गया था। इसलिए जब पृथु का जन्म हुआ तो लोगों में हर्षोल्लास था, पर जन्म के बाद जब तक पृथु राजा बने धरती पर संकट गहरा चुका था। उनसे पहले राजाओं के अधार्मिक कार्यों के कारण पृथ्वी अन्नहीन हो चुकी थी, या यूं मान लीजिए कि जैसे सूखा ही पड़ गया था। भूख से प्रजा मर रही थी, चारों ओर त्राहीमाम मचा हुआ था। ऐसी सिचुएशन में राजा पृथु ने सोचा कि अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। राजा पृथु को बताया गया कि धरती बीज तो निगल लेती है किंतु बदले में अन्न नहीं देती, तो पृथु क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाकर पृथ्वी का नाश करने का निर्णय ले लिया। जब धरती को पता चला कि पृथु उसे मारने आ रहे हैं तो उसने एक गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। राजा पृथु उसके पीछे पीछे भागे। तब धरती ने विनती करी कि अरे राजा, मैं तो एक स्त्री हूं और अभी तो एक गैया के रूप में हूं, इसलिए आप कृपया करके मुझे न मारिए। राजा पृथु बोले कि अपने अंत से बचने का तुम्हारे पास एक ही उपाय है कि उसे धरती वासियों को अन्न लौटाना होगा। तब पृथ्वी बोली, बीते समय में हर ओर अराजकता फैल गई थी, हर ओर अधर्म का वास था, इसलिए उसने अपना अन्न अपने ही भीतर छुपा लिया। लेकिन एक उपाय है। धरती पर क्योंकि मैं एक गाय के रूप में आई हूं तो आपको एक बछड़े की व्यवस्था करनी होगी। जब धरती ने ऐसा कहा तो बछड़े को लाया गया। इस पर पृथ्वी बोली कि गौ माता दूध देती हैं, इसलिए मैं दूध के रूप में वह सब दूंगी जो मुझको दूहने वालों की अभिलाषा होगी। यह बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, इसके अर्थ को हम लोग आगे जानेंगे। तब राजा पृथु ने मनु को गाय माता का बछड़ा बनाया और स्वयं वह गाय को दूहने लगे। दोस्तों, पृथु एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। वो नहीं चाहते थे कि पृथ्वी पर फिर से कोई समस्या आए और उसकी प्रजा को भूख प्यास का सामना करना पड़े। इसके लिए उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। पर जब 99 यज्ञ पूरे होने को आए तो इंद्र को भय हो गया। उसे लगा कि पृथु तो बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपने 100वें यज्ञ के बाद पृथु इंद्र की पदवी ही छीन ले। ऐसा सोच करके इंद्र ने साधु का वेश बनाया और उसने राजा पृथु के 100वें यज्ञ का अश्व चुरा लिया। पर ऐसा करते हुए ऋषि अत्रि ने इंद्र को देख लिया था। पृथु ने अपने पुत्र को इंद्र के पीछे पीछे भेजा। पृथु का पुत्र तो अश्व वापस ले आया, पर इंद्र मानता नहीं था। वो बार बार यज्ञ के अश्व को चुरा करके ले जाता था। कई बार ऐसा होने के बाद पृथु समझ गए कि जब तक इंद्र को दंड नहीं दिया जाएगा वो रुकने वाला नहीं, तो उन्होंने इंद्र का नाश करने का निर्णय ले लिया। जब राजा पृथु ने इंद्र को मारने के लिए अस्त्र उठाया तो ऋषि अत्रि ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और बोले, पृथु, इंद्र भी उन्हीं के जैसे नारायण का अंश है, इसलिए उनका नाश करना ठीक नहीं होगा। पृथु समझदार थे, उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया। उनके ऐसा करने पर विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने पृथु को वरदान मांगने को कहा। पृथु बोले कि उनकी प्रजा सुरक्षित है, राज्य में अन्न की कोई कमी नहीं, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। हां, अगर विष्णु जी चाहें तो उन्हें 100 कान दे सकते हैं जिससे वो हमेशा
विष्णु की स्तुति सुनते रहें। दोस्तों, ये संकेत था कि पृथ्वी का कार्यकाल अब खत्म हो रहा था। उन्होंने पूरा राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ को चले गए ताकि बाकी का समय भगवान को याद करने में, उनको स्मरण करने में बिताते रहें। अब देखिए, महान कथा जो है वो हमारी सनातन संस्कृति की महानता का पता बताती है। कथा के शाब्दिक अर्थ पर मत जाइएगा, उसके भाव को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे धरती बीज तो निगल लेती थी पर बदले में अन्न नहीं देती थी। जरा सोचिए, ऐसा कब होता है? जब दुर्भिक्ष या अकाल या सूखा पड़ता है तब। ऐसे में पृथ्वी ने एक गाय का रूप धारण किया और उसके दुहने पर हर किसी की अभिलाषा पूरी हुई। इसीलिए हमारी परंपरा में गाय को माता माना जाता है और उनको माता मानकर उनकी पूजा भी होती है। गाय आधार था हमारी कृषि का, इसीलिए उसे पशुधन भी कहा जाता है। गाय के गोबर और मूत्र में जो रासायनिक उर्वरता होती है उसी से धरती अन्न उपजती है। इसी अन्न को खाकर पृथ्वी पर मनुष्य जीवित रहता है। जब पृथ्वी पर अधर्म आता है तो सब पृथ्वी के खनिज पदार्थ का उपयोग तो करते हैं पर बदले में उसका पोषण करना भूल जाते हैं। धरती को भी पोषण की आवश्यकता होती है, तभी वो उपजाऊ होकर बदले में अन्न देती है। और ऐसा ही राजा पृथु ने किया था। दोस्तों, ये विष्णु पुराण की जो कथा है हमें उसी सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए मोटिवेट कर रही है। आज हर कोई कह रहा है कि हमें ऑर्गेनिक खाना चाहिए। अरे, भारत तो हजारों वर्षों से ऑर्गेनिक ही था भाई। आज जब धरती पर संकट आया है तो हर कोई इन बातों को समझ रहा है। हमारे ऋषियों ने उन विपत्तियों और संकटों को कई हजार साल पहले ही देख लिया था और इसीलिए ऐसी प्रेरणादायक कथाओं से हमें सचेत भी किया था। आशा करता हूं दोस्तों, इस कथा से आप लोग लाभान्वित होंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। धन्यवाद।